Hey guys, what's up? Welcome back to the video. This video is specifically a back workout video and not a normal back workout video. क्योंकि मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आती हैं कि स्लिप डिस्क हो गया, बैक में इश्यूज हैं, लोअर बैक प्रॉब्लम्स हैं, तो बैक नहीं मार सकते. तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको थोड़े से इश्यूज है बैक में. दे आर नॉट 100% फीलिंग गुड, बट वो कौन कौन से ऐसे कि बैक एक्सरसाइजेस में वो हैवी भी मार सकते हैं, बैक में मसल गेन भी कर सकते हैं, हैवी बैक बनेगी और वो टोटली लोअर बैक को आपको सेफ रखते एक्सरसाइजेस. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एक्सरसाइज नंबर वन, लैट पुल डाउन. तो ये एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है. इसमें आपकी बैक टोटली प्रोटेक्टेड रहती है क्योंकि आप बेंट नहीं है. लोअर बैक आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, सीधी पोजीशन में है और वेट आप वर्टिकली खींच रहे हैं. तो कोई भी जैसी एक्सरसाइज हो, लैट पुल डाउन, जिसमें वर्टिकली खींचते हैं. अब इसी एक्सरसाइज में 4-5 वेरिएशन बन जाते हैं. ग्रिप को लेकर वेरिएशन बन जाएगा. मैं जो नॉर्मल ग्रिप लेता हूँ वो मैं ये लेता हूँ, इतना वाइड, बहुत वाइड नहीं, बहुत क्लोज नहीं. ये मेरी नॉर्मल ग्रिप है. कभी कभी मैं यहाँ से भी लेता हूँ ग्रिप, लेकिन ये मेरी नॉर्मल ग्रिप है. अब जब इस एक्सरसाइज की बात करी है तो एक नॉर्मली सही तरीका क्या है इसको करने का और गलत तरीका भी क्या है, क्योंकि जब तक आप गलत तरीका नहीं सीखेंगे आपको सही तरीके की वैल्यू पता नहीं चलेगी. यूजली इसमें बहुत लोग हैवी मारते और पीछे झुक जाते हैं और झटके से खींचते हैं. आपने वो नहीं करना, आपने बिल्कुल सीधा भी नहीं रहना. सो द बेस्ट तरीका इस बॉडी को 10 से 15 डिग्री पीछे करें, ये और ये. बैक की सारी एक्सरसाइजेज के लिए आपका स्कैपुला कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा. ये न्यूट्रल स्कैपुला, ये कॉन्ट्रैक्टेड स्कैपुला, ठीक है. तो पीछे का जो ये शोल्डर ब्लेड्स हैं आपकी, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो आपकी बैक और लैट्स अब जाके एक्टिवेट होंगी. अब इसमें एक वो क्या चीज़ आएगी, न्यूट्रल स्कैपुला, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है, अब मैं स्कैपुला को छोड़ूंगा नहीं, अब मैं ये मारूंगा और कॉन्ट्रैक्शन लाऊंगा. और मेनली आपने क्या सोचना है कि आप यहाँ से इन दोनों एल्बोज को, इस एल्बो को अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ ना तो मेरा एम होना चाहिए इस एल्बो को मैं उस डायरेक्शन में फेंकूँ और इस एल्बो को मैं उस डायरेक्शन में फेंकूँ और ये. तो जो ये दो चंक ऑफ मसल है ना उनको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूँ. तो इसकी हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूँगा. थोड़ा लाइट कर लेंगे बिकॉज मैं चाहूँगा नीचे कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करना होगा थोड़ा. तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इनका, तो यहाँ जो दो चंक ऑफ मसल है ना इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है. ये इनकी मसल यहाँ तक अटैच है, यहाँ तक अटैच है. जब मैं फील कर रहा हूँ ऊपर ले आना, ये इलांगेट हुई, ये देखो मैंने पकड़ लिया इनकी. एक मैंने हाथ लगाया, एक हाथ लगाया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुई. छोड़िए, ये एक्सपैंड हुई. तो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट. अब मेरा एल्बो से मेरा मतलब क्या था, ऊपर लेना, नहीं चला. तो ये एल्बो को आपने कोशिश करना है कि इस डायरेक्शन में फेंको, हाँ कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसको इस डायरेक्शन में फेंको, तभी ये दोनों चंक ऑफ मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट होंगी. ये हो रही ना फील, ये कॉन्ट्रैक्ट. इसने भी स्कैपुला पकड़ के रखा है, देखो ये स्कैपुला छोड़ा नहीं. बस थैंक यू भाई. मेजर इसमें गलती लोग क्या कर रहे हैं, थैंक यू भाई. इसमें अगर स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा ना, जो न्यू कमर जाते हैं तो वो कैसे खींचते हैं, वो ये कर लेते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे खींचते हैं, नहीं, ऑलवेज चेस्ट आउट, अंदर से फील करो बिग, तभी बिग बनोगे. खड़े होंगे चौड़ में आके खड़े होंगे. ये मेरे न्यूट्रल स्पाइन है, न्यूट्रल स्पाइन हमेशा स्कैपुला कॉन्ट्रैक्टेड, चेस्ट आउट. स्पाइन में दो कर्व होते हैं, एक यहाँ पे कर्व होता है और एक हमारी गर्दन में कर्व होता है. तो दोनों को बना के रखना आपने. ये ऐसे करोगे तब भी न्यूट्रल स्पाइन नहीं रहेगी, ये करोगे तब भी न्यूट्रल स्पाइन नहीं रहेगी. ऊपर आकर गड़बड़ हो जाएगा. ये भी न्यूट्रल स्पाइन, ये भी न्यूट्रल स्पाइन नहीं है, ये भी न्यूट्रल स्पाइन नहीं है, ये न्यूट्रल स्पाइन है आपकी. स्टार्टिंग पोजीशन ही चौड़ में, ये चेस्ट आउट, ठीक है, 0 डिग्री, 10 डिग्री बाहर चौड़ में, ठीक है. इसको अपर चेस्ट पे हिट करना है, इस चीज़ को. ये नहीं करना आपने. जैसे आपने ये किया ख़त्म आपकी, अब तो कुछ और ही ट्रेन कर रहे हो, बैक तो नहीं कर रहे आप. देखो ये, अब इसमें आपके काफ़ी सारे वेरिएशन आएंगे. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, थोड़ा क्लोज पकड़ सकते हैं, वी बार लगा सकते हैं. तो 4-5 एक्सरसाइज आपकी बन जाएगी. लोअर बैक में कोई आपका इशू नहीं आएगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं. आप मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में. एक्सरसाइज नंबर 2 हम कर रहे हैं रोइंग
यूजली हम बेंट ओवर रोइंग करते हैं, बट बेंट ओवर रोइंग में आपको अपनी लोअर बैक को खुद ही स्टेबलाइज करना पड़ता है, जो कि आप अपनी प्रैक्टिस से करते हैं, लोअर बैक की स्ट्रेंथ से करते हैं। बट यहाँ पे मैं एक बेंच यूज़ कर रहा हूँ जिनकी बैक में प्रॉब्लम है और जिनको फिर भी हैवी मारना है, तो आपकी बैक जो है अब इसके अगेंस्ट स्टेबल हो जाती है, ठीक है ना। इसमें चीटिंग भी आप कम कर सकते हैं, क्योंकि जब आप बेंट ओवर मारते हैं ना तो लोग झटका मारते हैं, तो इसीलिए चोट भी लगती है बैक में। इसमें ना योर बैक इज़ लॉक्ड अगेंस्ट दिस बेंच, अब वो झटका वाला सिनेरियो गया, तो आप देखना आप खुद भी कम वेट खींच पाओगे अपने आप से। तो बस यही इसका फंडा है कि आपकी लोअर बैक प्रोटेक्टेड रहती है। मेन चीज़, दूसरी चीज़ मेन चीज़ है, लोग खींचते हैं सीधा ऊपर, अगर आप वो गलत नहीं, देखो यूजुअली कोई भी मूवमेंट बॉडी बिल्डिंग में सही या गलत नहीं होता, जो आप जो लोग बोलते हैं ना गलत है गलत है, दैट इज़ जस्ट योर ट्रेनिंग अ डिफरेंट मसल। अब आप यहाँ पे लैट्स को ट्रेन करके अगर इसको यहाँ खींच रहे हो तो आप लैट्स ट्रेन ही नहीं कर रहे हो, तो उसको आप गलत बोलो, या मैं बोलता हूँ यू आर नॉट योर ट्रेनिंग सम अदर बॉडी पार्ट, आप अपर बैक ट्रेन कर रहे हो यहाँ पे ये खींचते हुए, तो ये एक्सरसाइज तो अपर बैक की होती है। अगर आपको लैट्स ट्रेन करनी है तो यहाँ से लेके ये पीछे जाएगा बेली बटन की ओर, या फिर कमर की ओर, या लेव हैंडल्स की ओर बोल सकते हो। तो अगर आप ये करके ये कर रहे हो तो आप अपर बैक ट्रेन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये करके ये कर रहे हो, देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ आना और यहाँ से सीधा ऊपर आना, दोनों बहुत अलग मूवमेंट्स हैं, एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये लोग सीधा खींच लेते हैं ऐसे, ये मेरा अपर बैक हो गया, ट्रैप्स मेजरली हो गए मेरे, ट्रैप्स, रोम्बॉइड, रियर डेल्ट्स, लेकिन ये पीछे खींच रहा हूँ मैं। और इसमें दूसरा वेरिएशन, आप रिवर्स ग्रिप कर सकते हैं इसको, मैं रिवर्स ग्रिप ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसमें लैट्स ज़्यादा एक्टिवेट होती हैं। इसमें न्यूट्रल रखे नीचे जाते हुए बहुत आगे, क्योंकि बहुत लोग ये मारते हैं फिर उसको लगता है कि ज़्यादा लैट्स एक्टिवेट होंगी, वो वेट झुला रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, यहाँ रखें पीछे, यहाँ रखें पीछे। तो ये हो गया मैं एक्सरसाइज नंबर 2। इसमें दो वेरिएशन होगा आपके, नॉर्मल ग्रिप एंड रिवर्स ग्रिप। जिनकी लैट्स वीक है, लोअर लैट्स वीक है, मैं प्रेफर करता हूँ वो लोअर रिवर्स ग्रिप मारे, बट जिनको ओके है वो ऐसे ही मार सकते हैं। रिवर्स ग्रिप में आप कम वेट लगा पाएंगे क्योंकि आपकी एसिड होती है लोअर लैट्स, नॉर्मल ग्रिप में आप ज़्यादा वेट लगा पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 3। रेडी, तीसरी एक्सरसाइज हमारी बैक की है, हम करेंगे रोइंग, सीटेड रोइंग। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कोई भी मशीन ले सकते हैं आप, मशीन भी नहीं, आपकी बैक या आपका टॉर्सो लॉक्ड होना चाहिए किसी चीज़ के अगेंस्ट। बहुत ज़्यादा जिम्स में टी बार की मशीन आती है, ऊपर लेट के आप टी बार खींचते हो, तो बेसिक एम ये है आपका टॉर्सो लॉक होना चाहिए। आप इसमें कितना भी हैवी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, लोअर बैक का कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आपका टॉर्सो लॉक हो गया, थोड़ा ऊपर टॉर्सो लॉक हो गया, ये आपने खींचा, कॉन्ट्रैक्शन लिया, कितना भी इसमें हैवी खींच सकता है। इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, वही फंडा है सही गलत का, बट मैं बोलता हूँ सही गलत कुछ नहीं है, यू आर जस्ट ट्रेनिंग अ डिफरेंट बॉडी पार्ट। ये मेरा लोअर लैट के लिए था या लैट्स के लिए था, अगर इसी को आप नीचे कर देते हैं और आप खींचते हैं तो ये मेरा अपर बैक होगा, क्योंकि अगर मैं नीचे बैठा हूँ तो वही मूवमेंट यहाँ पे आएगा, अगर मैं ऊपर बैठा हूँ तो वही मूवमेंट कमर पे आएगा। याद है वहाँ क्या बताया था, अगर कमर पे आ रहा है, बेली बटन पे आ रहा है तो आप लैट्स हो, और यहाँ पे आ रहा है तो अपर बैक हो। तो ये सिंपल मूवमेंट है, मशीन मूवमेंट है। अभी एक्सरसाइज नंबर 4 कर रहे हैं क्या? नहीं, एक्सरसाइज नंबर 4, दिस इज़ डेडलिफ्ट। अब लोग सोचेंगे यार डेडलिफ्ट इसीलिए तो नहीं करते क्योंकि बैक में प्रॉब्लम है, आप क्या डेडलिफ्ट करो, तो ये हम स्मिथ मशीन में डेडलिफ्ट लगा रहे हैं। इसमें बैक आपकी बहुत प्रोटेक्टेड हो जाती है, डिसबैलेंस नहीं होती, और ये हम ग्राउंड से स्टार्ट नहीं कर रहे, तो आप वनरेबल पोजिशन में नहीं है लोअर बैक, ये हम थोड़ा सा ही ऊपर है, बट यूजली अगर आप ये जाती नहीं है नीज तक जाए तो मेरी ये नीज से ऑलमोस्ट ऊपर है, यहाँ से अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं ना तो बहुत बेटर रहेगा। तो ये आपका मोमेंट प्योर बैक के लिए, प्योर जो चंक ऑफ द मीट रहता है लोअर लैट्स और मिडिल बैक के लिए मोमेंट है ये, जो आपकी होता ना कि थिक बैक होती है जो, उसके लिए मोमेंट है। और इसमें आपका अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एकदम ही बिगनर हैं और चोट लेके जिम में आ गए और आपको डेडलिफ्ट की प्रॉपर टेक्निक नहीं पता तो इसको आप स्किप करें, क्योंकि डेडलिफ्ट की टेक्निक ही नहीं पता तो फिर आप चोट खा जाएंगे। बट वर्कआउट कर रहे थे, अभी बीच में सिटिंग ज़्यादा हो गई, बैक में प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ टेम्प्रेरी फेज है, इसको आराम से कर सकते हैं आप, नॉर्मल चीज़ है ये इसको रैक डेडलिफ्ट ही बोलते हैं। आपने उसे इतना मूवमेंट करना है,
झटके नहीं मारने आपने छोड़ के। तो आई रिकमेंड गोइंग टू कंप्लीट डेड स्टॉप एंड देन पुलिंग, क्योंकि डेड स्टॉप जब आप जाएंगे ना, यूजली क्या होता है हैवी मारने के लोग झटका मारते हैं। डेडलिफ्ट में सबसे ज़्यादा चोटें रैक और अनरैक करने में लगती है। जब आप रैक करते हैं और अनरैक करते हैं, अनरैक करके यूजली क्या होता है, जब हैवी डेडलिफ्ट मारते हैं, अगर आप रैक से कर रहे हैं, फ्लोर से कर तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसे रैक से मारता हूँ, अनरैक करके दो स्टेप पीछे आते हैं, लेकिन दो स्टेप पीछे कब आते हैं, लेकिन एक बार में ये कहेंगे ना ये लिया तो बॉडी डिसबैलेंस होती है उस समय पर, उस समय पर अपने आपको संभालना बहुत ज़रूरी है, फिर ये लिया तो आपके अगर वेट है ना तो ऐसा और ऐसा, तो दैट इज़ एक पॉइंट जहाँ पे आपको अपने को संभालना पड़ता है कि आप डिसबैलेंस ना हो, बट यहाँ पे आप आराम से कर सकते हैं। उसमें भी यही है, आपकी स्कैपुला कॉन्ट्रैक्ट रहेगी, ये रहेगी, आप नीचे आ रहे हैं, स्कैपुला कॉन्ट्रैक्टेड रखें, आपने ये करके नहीं उठाना कि भाई मैं ये उठाता हूँ ऊपर जाके कॉन्ट्रैक्ट करूँगा स्कैपुला फिर कॉन्ट्रैक्शन आएगा, नहीं। आप यूजली देखिए ओलंपिक वेटलिफ्टिंग देखी होगी, हमारा भी सिल्वर आया था, मेरा भाई चारों ने सिल्वर मारता वेटलिफ्टिंग में, 21 साल बाद लगा था मेडल अपना, उसके पहले 2000 में किल्लम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मारा था सिडनी ओलंपिक्स में। हाउ डू वेट लिफ्टर्स अप्रोच देयर बार और पावर लिफ्टर्स ऑल्सो, दिस स्कैपुला इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड दे गो डाउन लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टेड के साथ, वो ढीला करके ऐसे करके आप ऐसे ही जाते हो, कॉन्ट्रैक्टेड है, नीचे गए वहीं से पुल मारा, तो आपने वही करना है, जब हम नीचे जा रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्टेड रखिए इसको, बहुत कम इंजरी के चांस हो जाएंगे, बहुत कम। ऑब्वियसली आप वार्म अप करके आएँ, लोअर बैक की मोबिलिटी लेके आएँ, बैक को स्ट्रेच करके आएँ, तो ये एक बेसिक फोर एक्सरसाइजेस थी, क्या नहीं करनी है जो आपको लगता है सेफ और अनसेफ है बताता हूँ आपको। आइए सीटेड रोइंग है, इसमें आपकी बैक सेमी प्रोटेक्टेड है, जब आप यहाँ पे ये कर लेते हैं ना तो एक आपकी बैक यहाँ फिक्स हो जाती है, बट बहुत लोग इसमें जब खींचते हैं वेट को तो इसमें, लेकिन लोअर बैक में काफ़ी आपका आता, अगर आप हैवी मार रहे हैं ना तो आपकी लोअर बैक उतनी प्रोटेक्टेड नहीं रहती इसमें, तो आप ये आपका सेल्फ असेसमेंट है, मैं ये एक ब्लैंकेट तो नहीं कह रहा कि सब लोग कर लो, बट ये एक्सरसाइज ऐसी है कि आप खुद ही असेस करो कि आपको इसमें लग रही है कि नहीं, क्योंकि इसमें लोगों को लगता है बहुत सेफ एक्सरसाइज है ये, बट इसमें लोअर बैक में आ सकता है। किस पॉइंट पर आएगा आपका, अनरैक करते हुए या फिर आपने मार दिया 15 रैप लगा लिए, अब आपकी बैक थक चुकी है, फिर जब आप रैक करोगे ना, रैक और अनरैक में सबसे ज़्यादा लगती है, मारते हुए तो कम लगती है, तो वो डिसीजन आपका है कि आपको एक्सरसाइज करनी है कि नहीं करनी, मैं ये ओपन छोड़ रहा हूँ आपके खुद के पर्सनल डिसीजन पे, क्योंकि कोई बंदा सामने होता है उसको आप एक्सरसाइज कर सकते हो, इफ यू आर मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल देन यू डोंट नो कि किसकी क्या सिचुएशन और कौन कैसा कर सकता है, तो ये एक चार एक्सरसाइज है जिन पर आप हैवी कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल गेम्स कर सकते हैं बैक के साथ। तो ये ऐसा वीडियो था कि बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, आई थॉट आई विल मेक दिस वीडियो, तो दैट्स इट, मेरा अपने लगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें और ऑल द बेस्ट।